हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ बाढ़ और कटाव। बहराइच के सैकड़ों गांवों के लाखों बाशिंदे हर वर्ष बारिश के मौसम में अपने ही आशियाने और लहलहाती फसलों को घाघरा नदी के रौद्र रूप में समाहित होते हुए नम आंखों से देखते हैं। सरकार और प्रशासनिक अधिकारी इन बाढ़ पीड़ितों के लिए व्यवस्थाओं के दावे और वादे हर बार करते हैं, लेकिन धरातल पर इनके पुनर्वास और जीवन यापन के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। आंकड़ों की बात करें तो हर साल लगभग 52,000 हेक्टेयर में लगी फसलें घाघरा नदी की कटान में समाहित हो जाती हैं। लगभग 250 से ज्यादा गांव की 2,00,000 से ज्यादा आबादी हर वर्ष आने वाली इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होती है। भारी बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों से आने वाले पानी बहराइच के तराई क्षेत्र में रहने वाले किसानों के लिए अन्न कहीं मौत से कम नहीं है। लगभग 1500 से 2000 के बीच करीब किसान के जो है प्रभावित हैं और लगभग कम से कम जो है 5000 बीघे खेत जो है प्रभावित है। अगर बांध कटान की और दूसरी तरफ बांध कटान की उफान पे है, अगर बांध कटता है तो इसमें कम से कम जो है करीब 50,000 बीघे के आसपास जो है खेत जो है काफ़ी प्रभावित, फसल प्रभावित होगी, फसल बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और लगभग 1500 से अधिक किसानों को, जैसे हमने कहा, 1500 से अधिक बीघा जो है फसल नष्ट हो चुकी है। वहीं गोंडा जिले में घाघरा यानी सरयू नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। घाघरा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जल स्तर 1 मीटर से ज्यादा बढ़ गया है। ग्रामीणों के माने तो जल स्तर बढ़ने के कारण एली परसौली माझा के लगभग 35 मजरे बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। एली परसौली के केवटाही मजरे के कई घर घाघरा में डूब गए हैं और घाघरा ने इस मजरे को टापू में तब्दील कर दिया है। लोग अपने घर गृहस्थी व छप्पर को नाव पर रखकर पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों को खाने पीने की समस्या आ रही है, इन्हें 2 वक्त के भोजन के लिए भी जूझना पड़ता है। तख्ते पर रखकर किसी तरह खाना बनाया जा रहा है। बाढ़ की वजह से नहीं, ना यहाँ खाने पीने का कोई व्यवस्था, ना घर धरी जगह, नदी से नहीं जो है घर कटा जाता है और ना कोई यहाँ डॉक्टर ना कोई कोनो सुविधा यहाँ पर, ना कोई हाकिम यहाँ पर, हम सबके लिए कोनो व्यवस्था ना है। प्रशासन के दावे फेल हो रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह लापरवाह साबित हो रहा है, लोग बीमार हैं, इनके पास दवा भी नहीं है। गोंडा जिला प्रशासन प्रतिदिन आधिकारिक तौर पर दावा करता है कि बाढ़ क्षेत्र में मेडिकल टीम व दवाएं मुहैया कराई जा रही है, लेकिन यहाँ पर लोग बीमार हैं जिन्हें अब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। गोंडा जिला अधिकारी डॉक्टर नितिल बंसल व आपदा प्रबंधन प्रतिदिन मीटिंग कर प्रेस नोट रिलीज कर मीडिया को जानकारी देता है कि बाढ़ से निपटने के लिए जिले में 23 बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं तथा 2 राहत वितरण केंद्र वर्तमान में संचालित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तरबगंज तहसील में मेडिकल की 19 टीमें तैनात हैं। अब तक 903 लोगों का उपचार किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अभी तक एक भी मेडिकल टीम केवटही माझा नहीं पहुंची और ना यहाँ पर कोई बाढ़ चौकी दिखी। बहराइच जिले में घाघरा नदी महसी जरवल केसरगंज शिवपुर ब्लॉक के सैकड़ों गांव वालों के लिए शोक बन चुकी है। घर घर बचा है, पार्सल जमीन कट गया, घर कटा जाता है, हम कसकर रोड पर रहा है, यही समस्या है, खाए के लिए ठिकान नहीं है, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं भी करत है। कहर बरपा रही नदी की लहरें हरी वनस्पतियों का तिनका भी नहीं छोड़ती। सरकार इस बात का दावा करने से नहीं चूकती कि राहत में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन अब तक ना तो बाढ़ का कोई स्थायी निदान हो पाया है, ना ही बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा का कोई उपाय। चुनावी सभाओं में ये मुद्दा होता है, चुनावी नतीजे आने के बाद इसे अगली बार तक के लिए दिया जाता है। लोग अब इसे अपनी नियति मान चुके हैं। कभी कभी सरकारी कोशिशों से कुछ पीड़ितों का पुनर्निवास होता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उस लिहाज से वो मदद ऊंट के मुंह जीरे जैसी है। अपनी जमीन को आंखों के सामने खो देने वाले लोगों के लिए सियासत ने सिर्फ वादों के बांध बनाए हैं, जिससे बाढ़ नहीं रोकी जा सकती। पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए बहराइच से अभिषेक शर्मा और गोंडा से यज्ञ विजय की रिपोर्ट।